मेरा नाम सुखजीत है ते अज आप अपने गवांडी मुल्क श्रीलंका दे विच पैदा हुई हालात बारे गल करांगे कि इदां दी सिचुएशन उत्थे किद्दां बनी, क्योंकि इदां दे हालात बन दे विच कोई एक इवेंट नहीं हुंदा, इहदे विच नंबर ऑफ इवेंट्स हुंदे आ, कई कड़ियां जुड़दियां है, फिर इदां दी सिचुएशन पैदा हुंदी है। आओ जानते हैं इस वीडियो दे विच कि श्रीलंका दे विच ऐसा की होया कि अज दे हालात इन्ने बदतर हो गए ने। श्रीलंका में हालात बहुत खराब हैं, वहाँ इमरजेंसी के साथ 36 घंटे का पुलिस कर्फ्यू भी लगा हुआ है। खाने पीने के सामान की कमी के साथ लोग पेट्रोल डीजल की कमी से भी जूझ रहे हैं। जे मैं सब तो पहले इंसीडेंट की गल करा जिथों ये सारी चीज़ा शुरू हुई, वो सी 2018 दे विच सीरियल बम ब्लास्ट, जिन्हों कह सकते हैं लड़ीवार धमाके, जो कि तीन चर्च ते तीन होटलों के विच होए, जिदे 269 लोगों की मौत हुई, जिस 45 फॉरनर सीगे। फॉरन टूरिज्म नूं उत्थे धक्का लग्या, लोगों ने श्रीलंका दे विच टूरिस्ट बन के आना बंद कर दिता। इस घटना तो बाद महीने बाद उत्थे दंगे पैदा हुए, मुस्लिम्स के खिलाफ अनरेस्ट पैदा होया, उन्होंने घर दुकानों साड़ना शुरू कर दिता। ये वो कड़ियाँ सी, ये वो टाइम सी जितों श्रीलंका दी जिन्हों आप कह लिए भी GDP कह लिए या डॉलर के मुकाबले या टूरिस्ट जिन्हों कहने हैं भी उत्थे आने बंद हुए, क्योंकि जे आप गल करिए टूरिज़म श्रीलंका दे विच 13-14% GDP दे विच हिस्सा पाता है। दूसरी सब तो मेजर गल अगर आप करिए इस हालात की, तो वह सी उत्थों के नवे बने प्रेजिडेंट। प्रेजिडेंट ने इलैक्शन वादा किया सी लोगों नाल कि वह महंगाई को घटा देंगे, तो वैट VAT एक उत्थे वैल्यू एडिड टैक्स जिन्होंने आप कहने हैं वह घटाएंगे। बड़े सारे देशों के विच पॉलिसी चलती है तो उन्होंने मुनाफा भी होंदा, क्योंकि श्रीलंका के प्रेजिडेंट का सोचना यह सी कि इस नाल कंजम्पशन वधूगी, लोग खरीद फरोख ज़्यादा करनगे तो देश को आर्थिक रूप के बल मिलेगा। वो आपकी थान पर बिल्कुल ठीक सी, लेकिन जो गलत सी वो सी समा, क्योंकि जो उन्होंने ये डिसीजन लिया तो उस तो बाद पूरी दुनिया के करोना आ गया। करोना आने तो बाद लॉकडाउन लग गया तो लोगों की कंजम्पशन भी घट गई। तीसरा कारण वो सीगा भी श्रीलंका 10 साल ऑर्गेनिक खेती वाला देश बना देना, ये भी श्रीलंका के प्रेजिडेंट ने जल्दबाजी की। उन्होंने सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स के पेस्टिसाइड के उत्ते बैन लाता ता कि उन्होंने होर देशों तो मंगवाना ना पे, तो उन्होंने आपके देश का डॉलर या आपका पैसा दूजे पे ना करना पे। लेकिन इत्थे भी श्रीलंका का नुकसान होया, क्योंकि जो किसी भी खेत नूं या नॉर्मल खेतीबाड़ी नूं आपां ऑर्गेनिक दे विच बदलते हैं तो 20-30% पैदावार घटती है, तो श्रीलंका नाल भी इदां होया। एक देश जिथे चौल पूरी तरह उगदे सी ते आपदे लोकां दे विच पूरे पैंदे सी ते उह बाहरले देशां नूं भी दिंदे सी, उहदी फसल भी ऑर्गेनिक खेती दे चक्कर दे विच पूरी ना पई ते उन्हां नूं चौल भी होरां मुल्कां तों खरीदने पए। यही उन्होंने चाह की फसल नाल होया, ऑर्गेनिक खेती के चलदा वो चाह की फसल भी बिल्कुल तबाह हो गई। यही वो लड़ीवार इवेंट है जो श्रीलंका पिछे नूं धकेल दे गए। इस तो बाद एक होर कारण है, श्रीलंका दे विच जमाखोरी का कल्चर है, जिदे करके कि उत्थों के कुछ लोगों ने उत्थों की जड़ियाँ जरूरी समान है, चाहे वह दालां होन, चौल होन या जो आम लोग जिन्हों वरतदे है उन्होंने जमा करना शुरू कर दिया। ते पंजवा सब तो जरूरी ते सब तो इंपोर्टेंट कारण सीगा बाहरले देशों का निवेश, खास तौर पर चाइना का। श्रीलंका एक आम जहा देश है, टूरिज्म तो बाद उन्होंने इकनोमी बिल्कुल बैठ गई, क्योंकि टूरिस्ट आने बंद हो गए से, उस तो बाद कोविड आ गया। उस तो बाद होर देश जिमें कि चाइना ने उन्होंने निवेश किया, वर्ल्ड बैंक का पैसा ला लो या होर जोड़े भी देशों तो पैसा लगा, वह व्याज देन के काबिल भी नहीं बचा श्रीलंका। यही कारण है कि जे आप मार्च की गल करिए जेडे 200 रुपीज़ है श्रीलंका के एक डॉलर के बराबर सीए, तो अच सिचुएशन 300+ पहुँच गई है। तो मैं भी दस दया कि यह सिचुएशन जल्दी ठीक हो जाना बहुत जरूरी है, तो असं कामना भी यह करते हैं कि यह सिचुएशन जल्दी ठीक हो। कारण यह कि साढ़े देश भारत में भी इसका फर्क पेगा, क्योंकि अगर श्रीलंका इदा के हालात बने रहने तो रिफ्यूजी भारत के आए, जिदे उन्होंने संभालन का खर्च तो होर कई तरह दस्यावं निकल के सामने आ गया। सो असी तो यही दुआ करते हैं कि श्रीलंका दे विच लोग आपकी आम जिंदगी जीनी शुरू करन, उत्ते हालात जल्द ठीक हो। बहुत बहुत शुक्रिया, अगली बारी कोई नवी वीडियो लेके फिर मिलते हैं।